अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लो, ये क्रीम लगा लो, इससे एलर्जी चली जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें जलन हो रही है, और मैं ये भी जानता हूं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इसलिए मैं ये क्रीम लाया हूं। प्लीज ये लगा लो। आपको इतना पता है, पर आपको ये नहीं पता कि मैं आपसे बिना पूछे आपकी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। किसका बैग है ये? हमारा। दादी आपको पलक पसंद नहीं है ना, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपकी मुश्किल आसान ही कर देते हैं। मैं और पलक इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप रहिएगा इस घर में अकेले खुश, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से पलक को कोई तकलीफ हो, और पलक को देख के आपको। हाँ जी, वो परफ्यूम मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नहीं लगाया था। मैं तो उसको संभाल कर रखने जा रही थी, वो गिरने वाला था। मैंने उसको टूटने से बचाने के लिए पकड़ा, पर वो गलती से मुझ पर स्प्रे हो गया। हाँ जी, आपकी डांट का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा आपके बेवजह इल्जाम लगाने का लगा। अरे, आप मुझे एक बार बोलने का मौका तो देते। सॉरी रोहित, रोहित प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए दिल से सॉरी। प्लीज माफी कर दो, या कान पकड़ूंगा तभी मानोगी। नारजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी। तो माफ कर दो रोहित, प्लीज। अभी एक क्रीम लगा लो। नाहर जी को समझना कितना मुश्किल है। पल में गुस्सा, पल में परवाह, इनके दिल को मैं अभी तक नहीं समझ पाई। हाँ रोहित, मैं लगा दूँ?
मर्जी, मैं अब ठीक हूं, आप चेंज कर लीजिए। लगता है गलती से गिर गया था, मैं लॉन्ड्री बैग में डाल देता हूं। समझ नहीं आ रहा, मैं नाहार जी से लिपस्टिक के दाग के बारे में पूछूंगी नहीं, उस परफ्यूम के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शायद अफरी दीदी के लिए लाए हो या फिर मम्मी जी के लिए, जो भी है, लेकिन मुझे एक बार उनसे पूछ ही लेना चाहिए। ऐसी बातें कर रहा है बेटा पिंकू, तू अपनी दादी को छोड़कर चला जाएगा। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन घर छोड़कर मत जा बेटा। हे भलक, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं पिंकू को मुझसे दूर मत कर बेटा, प्लीज। मेरा घर सूना हो जाएगा, पिंकू को मत लेकर के जा। पलक, दादी जी आज आप माफी मांग रही हैं, कल आप फिर से कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत करेंगी। नहीं 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 बेटा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ उसे। प्रति के पापा, रोकिए ना हमारे पिंकू घर छोड़कर जा रहा है। प्रति के पापा प्लीज रोकिए ना उसे। मैं कैसे रोकूं पूना, जबकि मुझे खुद को भरोसा नहीं कि इन्हें कैसे मैं यकीन दिलाऊं कि आप पाइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं ना प्रति के पापा, मैं वादा करती हूं ना आपसे कि मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं पलक को कभी कुछ नहीं करूंगी, लेकिन हमारे पिंकू को रोक लीजिए ना, प्लीज रोक लीजिए ना प्रति के पापा। पिंकू भैया, पलक भाभी, आप लोग प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, मत जाइए, प्लीज मत जाइए। नहीं जोई दीदी, हमारा आखिरी फैसला है, चलिए पिंकू जी। पिंकू, पिंकू, ए पिंकू, मुझे हम कहीं नहीं जा रहे, मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना सब होने के बाद भी मैं घर से जा क्यों नहीं पा रही हूं। शायद मैं पिंकू जी से बहुत प्यार करती हूं और उनको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए पिंकू जी हम कहीं नहीं जा रहे, यही हमारा परिवार है, हम यही रुकेंगे। ये फैसला बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पिंकू, थैंक यू। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए आपको कहीं दूर छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन जो आपने मेरी पत्नी के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है, उसके लिए आपको माफ कर पाना
मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे वक्त लगेगा। नाहर जी, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा। मैं मालिश कर दूँ? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं दवाई ले लूंगा। इट्स ओके नाहर जी, बार बार दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आपको चंपी कर देती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको आराम ना मिले तो आप दवाई ले लीजिएगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।